दोस्तों आज जो इंटरव्यू होने जा रहा है वो मेरे दिल को बहुत प्रिय है क्योंकि इस इंटरव्यू ही को हम स्टूडियो लाने की कोशिश एक साल से ज्यादा से कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट ही डिड नॉट वांट टू कम टू द स्टूडियो फॉर दिस इंटरव्यू, लेकिन ये थोड़े शर्मीले किस्म के हैं एंड बहुत बिजी भी रहते हैं, इसलिए भी बार बार ये इंटरव्यू पोस्टपोन होते रहा. अल्टीमेटली वी नेल्ड हिम डाउन टुडे. फ्रेंड्स प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड द फैंटास्टिक सिंगर मोहित चौहान. मोहित जी वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस. थैंक यू कोमल जी. बहुत शर्मीले किस्म के आप इंसान हैं. आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा रहता हूँ हाँ, अपने थोड़े मूड में रहता हूँ. सिंगिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग ली आपने, बचपन से शौक था, कैसे जागरूक हाँ, कैसे बचपन से जब से पैदा हुआ तब से गाना कुछ करते रहना ऐसा कुछ तबीयत थी मेरी. और हमेशा से नेचर के साथ रहना और ड्रीमी रहना, लॉस्ट रहना. और शुरू से मैं पेंटिंग करता था, कुछ म्यूजिक करता था, फिर थिएटर किया काफी, तो थोड़ा वो आर्ट वाला सीन था. और परफॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली मैंने, साइंस पढ़ा कॉलेज में और फिर मैंने मास्टर्स किया. अच्छा। साइंस में जियोलॉजी करके सब्जेक्ट में, उसमें मैंने मास्टर्स किया हिमाचल यूनिवर्सिटी से. लेकिन आर्ट्स का बहुत शौक था और स्कूल में फिर मैंने जैसे माउथऑर्गन बजाना, कॉलेज में फिर गिटार बजाना शुरू कर दिया, फिर कुछ अपने गीत बनाने शुरू कर दिए और इस तरह से. तो यहाँ बचपन से एक्टर बनने का नहीं सोचा? सोचता था पहले, बिफोर आई बिकेम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, क्योंकि मैंने थिएटर इतना किया, मैंने एनएसडी थिएटर वर्कशॉप्स भी लगाई. अच्छा. तो फिर मुझे लगा कि शायद एक्टिंग भी कर सकता हूँ, तो एफटीआई का फॉर्म भरने के लिए वो भेज दी चिट्ठी. लेकिन वहां से जो फॉर्म आया उसमें लिखा था कि एक्टिंग का कोर्स बंद कर दिया है उन्होंने, काफी टाइम बंद रखा उन्होंने कोर्स. exactly, अभी खोला शायद कुछ बिल्कुल सही 5-6 साल पहले. तो फिर वो छूट गया, फिर भाई एक्टिंग तो बंद कर दिया उन्होंने, क्या करे. बस फिर किस्मत में था, बस हिमाचल से दिल्ली आया और दिल्ली में फिर डॉक्यूमेंट्रीज का म्यूजिक और फिर सिल्क रूट बैंड बना. तो दैट्स हाउ इट सॉर्ट ऑफ. तो ये कौन से साल में आप हिमाचल से दिल्ली पहुंचे? मेरे ख्याल से मैं 93 में आया था शायद. और जिंगल्स बहुत बनाए? काफी बनाए हाँ, क्योंकि बिफोर द एल्बम और सिल्क रूट का और फिल्म के गाने तो बिल्कुल नहीं थे. तो फिर यू नो दैट वॉज अ वे टू मेक अ लिविंग. और तो या आई डिड मेनी जिंगल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, बैकग्राउंड स्कोर्स फॉर शॉर्ट फिल्म एंड यू नो. दिल्ली से मुंबई जब आप आए तो मुंबई ने आपको या बॉलीवुड ने आपको एब्सोल्युटली ओपन आर्म से वेलकम किया या कठिन था? किया वैसे, क्योंकि काफी लोगों को जो मैंने सिल्क रूट के साथ काम किया था वो मालूम था, उन्होंने वो गीत सुने थे. एक्चुअली ये आपका कॉलिंग कार्ड हो गया, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ दैट पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग योर नेम विद दिस वन सॉन्ग. ये गीत मैंने कंपोज किया था जब मैं एमएससी कर रहा था. अच्छा, कॉलेज के दिनों में? हाँ, यूनिवर्सिटी में था और मेरा जो डिपार्टमेंट का जो सेंटर था वो धर्मशाला करके एक शहर है हिमाचल में, वहाँ पर था. और वहाँ पर सामने धौलाधार का नजारा है बहुत, और बहुत अच्छी बर्फ पड़ती है विंटर्स में और ब्लू स्काई एंड सो ब्यूटिफुल. तो वहाँ यहाँ ये गीत मैंने कंपोज किया था और फिर ये सिल्क रूट का हिस्सा बना हमारी फर्स्ट एल्बम का. तो अभी 2 दिन पहले मेरा कॉन्सर्ट था दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां भी सब बच्चे गाना मेरे साथ गा रहे थे. करेक्ट. तो इट्स अमेजिंग टू सी अ सॉन्ग ट्रैवलिंग डाउन जनरेशन, यू नो, क्योंकि वो लोग तो काफी छोटे होंगे जब ये गाना 98 में रिलीज हुआ था. करेक्ट जी. इट्स मोर देन 15 इयर्स. वेरी नाइस. और बॉलीवुड में फिर एंट्री कैसे हुई? बॉलीवुड में मेरा सबसे पहला एक गाना था, सबसे पहला जो था एकदम, वो संदेश सैंडिल्या जो है उन्होंने मुझे बुलाया था. एक रोड करके पिक्चर आई थी, ऑफ कोर्स, उसमें राम गोपाल वर्मा साहब, उसमें मेरा सबसे पहला गाना था. और उसके बाद फिर एक फिल्म आई थी मैं मेरी पत्नी और वो, उसमें मैंने एक दो गाने भी कंपोज किए और गाए भी. फिर उसके बाद रहमान साहब ने मुझे बुलाया. 98 अप्रैल में सिल्क रूट का एल्बम रिलीज हुआ था बूंदे नाम से, विच वॉज अ फर्स्ट एल्बम, और उसमें डूबा डूबा अंडर वाटर वीडियो था एंड एवरीवन लव्ड द म्यूजिक एंड वाज ग्रेट. तो 98 नवंबर में चैनल वी अवार्ड्स हुए थे दिल्ली में, और वहां पर रहमान साहब से मुलाकात हुई पहली बार. ओके. तो उन्होंने कहा भाई आपने कुछ फिल्म का अभी तक गाया है? तो मैंने बोला जी ऐसा कुछ खास तो नहीं अभी गाया, थोड़ा बहुत है. और तो इसे ठीक है, यू नो, और छोटी कॉन्वर्सेशन हुई. तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया रंग बसंती में खून चला गाने के लिए. एआर रहमान साहब के साथ रिकॉर्डिंग कैसे गई? इन द सेंस दैट डे ऑन रिकॉर्डिंग दैट सॉन्ग वर यू वेरी नर्वस और यू वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट? नहीं, आई वाज अ बिट नर्वस. एंड क्योंकि एआर रहमान है वो. हाँ, उनका जो रहमान साहब है और उनका जो स्केल है जो उनका म्यूजिक का, और मैंने तो वैसा एक्सपीरियंस अपने आप से शायद नहीं किया था कभी उस टाइम. सही बात है.
और तो मुझे लगा मैं रहमान साहब के साथ गाना गा रहा हूँ तो उनकी धुन कैसी होगी, क्या मैं गा पाऊंगा नहीं गा पाऊंगा और कहीं डांट तो नहीं देंगे मुझे कि तू कैसे गा रहा है, ऊपर वाले को याद किया और दुआ करी कि भाई सब ठीक हो जाए, अच्छा हुए। और वो ऐसे ही दुआ काम कर गई, क्योंकि जब वो गाना मैं गाने गया तो वो गाना थोड़ा मुश्किल है गाना वैसे, पर एक इंटरेस्टिंग बात बीच में ये थी कि प्रसून साहब ने वो गाना लिखा, प्रसून जोशी, प्रसून जोशी साहब, और प्रसून जोशी ने हमारी एल्बम में भी कुछ गीत लिखे लिखे थे, और उससे पहले भी मैंने प्रसून जोशी के साथ काम किया था। अच्छा, तो वो मेरे मित्र थे मतलब पहले से, तो जो मुझे पता लगा प्रसून ने ये गाना लिखा है, और वो थे मौजूद वहां पर जब आप रिकॉर्डिंग करने गए, ओके, तो एक थोड़ी सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। हां भाई, कुछ महीने बाद जब वो फिल्म आई और जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो आपके बॉलीवुड करियर में अगर मैं पूछूं कि आपका टर्निंग पॉइंट कौन सा गाना था या कौन सी फिल्म थी, क्या होगा आपका जवाब? दो गीत होंगे एक्चुअली, एक खून चला जो रंग दे बसंती का गाना है, क्योंकि रहमान साहब के साथ मैंने पहली बार काम किया और वो लोगों को मालूम पड़ा एक्चुअली, और उस गाने का असर भी बहुत था और वो फिल्म भी बहुत कामयाब रही। उसके बाद प्रीतम दादा के साथ जब वी मेट का गाना, जब वी मेट, वो भी एक बहुत रोमांटिक गाना है, वो आज भी मैं कॉन्सर्ट में जब था कुछ दिन पहले तो बहुत मांग होती होगी ना उस गाने की, सब लोग उस गाने को गाते हैं और महसूस करते हैं और अभी तक वैसे ही गाते हैं जैसे शुरू में जब मैं कॉन्सर्ट में गाता था साथ में, तो उस गाने का असर हुआ बहुत और इनफैक्ट मुझे दादा ने भी एक दिन इस बात का जिक्र किया था कि उनके जितने भी गाने हैं उनमें से जो एक मतलब की कुछ गानों में से एक जो लॉन्गविटी है वो उन्होंने कहा मुझे लगता है तुमसे ही है। हाँ, फैंटास्टिक। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी तो ऐसी कुछ बात हो रही थी गानों की, तो वो मुझे लगता है सही है उनका अंदाजा एकदम, क्योंकि गाने में असर है, बहुत असर है। पहले के जमाने में जब कोई फिल्म बनती थी जनरली स्पीकिंग हीरो के लिए एक ही आवाज तय की जाती थी और हीरो के सारे गाने उस आवाज में रिकॉर्ड किए जाते थे, आजकल ऐसा नहीं है, एक ही फिल्म में पांच गाने हैं हीरो के ऊपर फिल्माए गए, एक गाना मोहित चौहान गा रहा है, दूसरा गाना सोनू निगम गा रहा है, तीसरा गाना शायद अरिजीत सिंह गा रहा है, तो ये सही है या गलत है? You know, I don't want to blow my own trumpet, लेकिन मुझे मौका मिला रॉक स्टार में, करेक्ट, सारे गाने आपने गाए रणबीर कपूर के, जी बिल्कुल करेक्ट, और अभी तक लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी उनके, सूट हुई, बिल्कुल सूट हुई एकदम से, बट दिस रॉक स्टार वॉज एन एक्सेप्शन रादर देन द रूल। एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो एक रीजन है ये कि रॉक स्टार में इम्तियाज जो है उनका एक विजन था, उनका एक पूरी फिल्म में एक थ्रेड रहे जो कि उनकी स्टोरी से, उनके कैरेक्टर से और म्यूजिक से, करेक्ट, बिकॉज इट वाज अ म्यूजिकल फिल्म ऑब्वियसली, उसकी वजह से भी, और एक मूड भी रहता है, करेक्ट, अगर एक एक्टर के लिए एक आवाज उसको सूट करती है और सुनने वालों को अच्छा लगता है, देखने वालों को अच्छा लगता है, तो वो जब भी गाना गाए अगर उस वॉइस में गाएगा तो उसका असर ही होगा, अच्छा असर होगा। सही बात है, जैसे मुकेश साहब राज कपूर साहब के लिए गाते थे, सही बात है, तो ऐसा नहीं था कि राज कपूर साहब ने दो गाने गाए फिर किसी और के साथ गाना शुरू कर दिया, exactly, फिर तीसरे आदमी के साथ गाना, exactly, क्योंकि वॉइस सूट हो रही है, करेक्ट, तो वो अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। रॉकस्टार में इतने बढ़िया, इतने बेहतरीन गाने थे, मैं एक नहीं दो गानों की अंतरे या मुखड़े गाकर सुनाइए प्लीज। एक अच्छा ठीक है, जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे। फैंटास्टिक। रॉकस्टार के लिए आपको उस किरदार में घुसने की जरूरत पड़ी बिकॉज इट इज अबाउट अ म्यूजिशियंस लाइफ, कुछ स्पेशल प्रिपरेशन, कुछ स्पेशल मेहनत करनी पड़ी या इट केम नेचुरली जैसे दूसरे गाने आते हैं? सी, इट वाज अ फिल्म एक म्यूजिशियन के ऊपर और रणवीर वाज प्लेइंग द कैरेक्टर, तो मेरे ख्याल से जैसे इम्तियाज ने मुझे कहानी सुनाई और उस किरदार का जो मूड रहता है मतलब कि वो किस तरह से सोचता है वो उस पर कुछ बातचीत हुई थी, किस तरह से उसका अंदर से थोड़ा एंग्स्ट रहता है, सलन रहता है, थोड़ा सल्क करता है, नाराज भी रहता है जिंदगी से, दुनिया से नाराज थोड़ा सा रहता है, हाँ, तो वो बातचीत भी हुई है और वही चीज कभी कभी मुझे भी लगी अपनी जिंदगी में एज ए म्यूजिशियन, एंड कि दुनिया से थोड़ी नाराजगी हो जाती है, एंड यू फील लाइक दैट, आई एम श्योर आर्टिस्ट, एवरी आर्टिस्ट फील लाइक दैट। कब ऐसे लगता है, क्यों दुनिया से नाराज हो जाते हैं आप लोग? कई बार दुनिया की चीजें
सुनने में, उससे कांटेक्ट करने में, उससे एक्सचेंज करने में उतना आनंद नहीं आता. कई बार लगता है कि थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा शांति चाहिए, यू नो, सिर्फ इक्का दुक्का लोग हों, यू नो, कहीं वो बाहर जाना पड़ रहा है, ओहो आज नहीं जाना था यार, कल जाता तो अच्छा था, यू नो. और फिर आदमी सोचता है कि मैं, समटाइम्स यू फील व्हाट यू डूइंग ओवर हियर, यू नो. कई बार जब प्रेशर होता है, चीजें होती हैं, फिर लगता है यार मैं तो पहाड़ चले जाता हूँ. पहाड़ में जाके, यू नो, ऑर्चर्ड में रहता हूँ, एप्पल ऑर्चर्ड में, और कितना मजा आएगा, शांति होगी, यू नो. ऐसे कब चली, कभी चले तो नहीं जाएंगे ना आप? नहीं, योर फैंस विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, हार्ट ब्रोकन. नहीं, इट्स अ रोमांटिक थॉट, यू नो. और जो मैं नाराज होकर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंदर से कुछ फ्री होने का दिल कर रहा है, तो मैं घर चले जाता हूँ, मैं हिमाचल जाता हूँ, और वहां पर ट्रैवल करता हूँ, ऊपर पहाड़ों में घूमता हूँ, कई बार छोटा ट्रैक करता हूँ, यार दोस्तों से मिलता हूँ, तो फिर थोड़ा एक सेंस और ऐसे में कभी रिकॉर्डिंग के लिए कॉल आ जाए तो आप फोन ही नहीं लेते? नहीं, फोन ले लेता हूँ और कहता हूँ भी कुछ दिन में आऊंगा तो आपको करूंगा. इनसिक्योर महसूस नहीं होता, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग? दिस इंडस्ट्री इज अ वेरी इनसिक्योर प्लेस, बहुत इनसिक्योरिटी है, लोग मतलब दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं. जी, आपको कैसे समय मिलता है पहाड़ों में जाने का? दौड़ने की जरूरत नहीं होती, यू नो. और आप काम करते रहिए, लेकिन आपको अपने लिए भी थोड़ा वक्त जरूरी है, क्योंकि जिस फन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो जो फन आपको कहां से मिला है? म्यूजिक का जो फन है, म्यूजिक इज द फाइनेस्ट ऑफ द फाइन आर्ट्स. सही, म्यूजिक का कनेक्शन सीधा सोल के साथ है. और जितने भी आर्ट्स हैं मेरे ख्याल, उसमें म्यूजिक एक ऐसी चीज है विच इज द कोर ऑफ, जिसमें एकदम असर है, यू नो. धुन सुनते ही रोना आता है, या दुख होता है, या एक फीलिंग सी कनेक्शन है, या ऊपर वाले से कनेक्शन बनता है. सूफी चीज है म्यूजिक, यू नो, चाहे रोमांटिक गाना है, चाहे कैसा भी गाना है, यू नो. जब आप गाते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा मेडिटेशन होता है सुबह जब मैं बैठ के, या शाम को जब मैं गिटार बजाता हूँ, चाहे मैं किसी भी तरीके का गाना गाऊं, चाहे मैं थोड़ा जैम कर रहा हूँ, फ्रीली कुछ भी गुनगुना रहा हूँ, जब भी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, या कोई भी आर्टिस्ट ऐसा करता है, तो उसका रियलिटी से कनेक्शन टूट जाता है. आप अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं. ऑब्वियसली, बिकॉज करेक्ट, यू कांट बी थिंकिंग कि मेरा टेलीफोन बिल क्या था यार, अभी 3,000 था, एंड यू सिंगल टीम, यू कांट डू दैट. यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द टेलीफोन बिल, यू नो, या आपको पार्टी में क्या पहन के जाना है, एंड यू जस्ट हैव टू लेट गो उस एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, जो आपका रियाज है, या आप धुन सोच रहे हैं, या आप खाली कुछ भी नहीं कर रहे, खाली आप गुनगुना रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं दिमाग में, और तो वो भी जरूरी है बहुत. दिस इंडस्ट्री इज नोन टू नॉट वेट फॉर एनीबडी, तो how do producers react जब आप ऐसा कहते हैं? तो नहीं, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके फन से मोहब्बत करते हैं, वो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं शायद, पर कर लेते हैं थोड़ा. जैसे तुमसे ही के लिए कहानी ये है कि प्रीतम साहब ने और इम्तियाज ने शायद मेरा इंतजार किया, महीना डेढ़ महीना ऐसा कुछ. रियली? हाँ, ऐसा कुछ कहानी है. अरे वाह, दैट इज डैम गुड, एंड दैट बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन योर करियर. दैट डिड एक्चुअली. मैं जहां तक समझता हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सिंगर इन सम वे हैज टू बी वेरी प्योर फ्रॉम विद इन. वो प्योरिटी गाने में नजर आती है जी. ये सही है? ये सही है. ऐसे में व्हेन यू गॉट टू बी सो प्योर, हाउ डिफिकल्ट डज इट बिकम टू डिस्कस मनी मैटर्स इन द इंडस्ट्री? क्योंकि आखिर आप गाना गाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो दैट इज योर सोर्स ऑफ अर्निंग. हाँ, मुश्किल होता है. मुझे पैसे का बात करना थोड़ा मुश्किल रहता है, और उसके लिए मुझे इसका फायदा लोग उठाते हैं कई बार. कई बार जैसे लोग अंडरमाइन कर देते हैं, यू नो, आप चाहते हैं भी, आपको लगता है भी ये रीजनेबल है, और यू नो दिस शुड बी ऑल राइट बिकॉज मैंने ऐसा काम किया है, यू नो, आई बीन अराउंड एंड आई बीन डूइंग दिस, तो आई थिंक दिस शुड बी ऑल राइट, और मुझे अपने आपको लग रहा है कि ये रीजनेबल है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. तो लोग फिर उसको और थोड़ा नीचे, तो फिर लगता है यार, यू नो, व्हाई आर दे डूइंग दिस. बट आई गेस दैट्स हाउ पीपल आर विद मनी, यू नो. लोग आपको, लोग चाहते हैं कम कम नहीं करें, यू नो, इट्स लाइक, तो फिर एक नेगोशिएशन करके चीज आती है, यू नो, देन यू हैव टू नेगोशिएट व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू. और कई बार मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मेरे ऑफिस के लोग करते हैं. एज एन आर्टिस्ट, यू नो, आई फील एट लॉस, यू नो, टू प्रेशराइज पीपल के भाई इतना लूंगा. थोड़ा अजीब लगता है, आदत नहीं है उसकी. आपने अब्दुल कलाम साहब की पोएट्री भी एक एल्बम के रूप में निकाली थी, उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, उसके बारे में हमें कुछ बताइए. शायद 26 जैन था, एक टेलीविजन प्रोग्राम के लिए हमसे कहा गया भी पेट्रियोटिक गाना परफॉर्म करना है. ओके. दिल्ली में एक टेलीविजन चैनल पे जाके,
बल्कि मेरी वाइफ ने मुझे एक पोएम दी, वो कलाम साहब ने लिखी हुई थी और उनके पास उनकी किताब भी थी और पोएम्स भी लिखी हुई थी उनके पास उसके प्रिंट से। तो उन्होंने कहा भी आप, तुम्हें सोच ये सोच चल रहा था भी क्या पेट्रियोटिक गाना गाएं, पुराना गाना गाएं या नया बनाएं या क्या करें। तो जब उन्होंने वो पोएम दी तो उसको मैंने फिर कंपोज कर दिया है और उसको टेलीविजन पे परफॉर्म किया हमने। अच्छा, फिर कलाम साहब को वो जो गाना था, हम राष्ट्रपति भवन गए और उनको प्रेजेंट किया मैंने और उनसे मुलाकात करी और उस टाइम पे वो प्रेजिडेंट थे वहां पर राष्ट्रपति भवन में और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा भाई मेरी पोएम यू नो वो गाना बन गई है यू नो, तो वो अच्छा लगता है बहुत। एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू नो कि मैं हिमाचल से हूँ। उन्होंने कहा भी मैं भी हिमाचल आया हूँ कई बार एंड ही सेड आई लव द प्लेस, आई लव द माउंटेन्स। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर मैंने ये वो किया कि उनकी, मुझे इतना मजा आया उस गाने पे काम करके कि मैंने उनसे परमिशन मांगी कि आप अपनी 5 और पोएम्स मुझे दे दीजिए अच्छा। जो आपने लिखे हैं, और 6 वो जो पोएम्स बन गई उनको मैंने कंपोज करके एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम है कलाम। अच्छा। और फिर कलाम साहब का आशीर्वाद लिया और फिर उस टाइम पे कलाम साहब रिटायर हो गए थे, यू नो ही इज नॉट, ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो फिर मैं उनके रेजिडेंस पे गया और उनके साथ चाय पी, उनसे मुलाकात करी और उनको फिर एल्बम मैंने भेंट दी। ओह लवली। एंड दैट वाज अमेजिंग यू नो। एंड उनकी जो पोएम्स हैं उसमें जो पेट्रियोटिक फर्वर है और देश के लिए और हमारी हमारी संस्कृति के लिए और उसमें जो स्पिरिचुअलिज्म है यू नो, उसमें जो स्पिरिचुअल, उसमें जो बातें उन्होंने कही हैं, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हाट आई हैड बीन डूइंग यू नो। एंड इट वाज अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ कलाम साहब्स पोएट्री। फैंटास्टिक। हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ने भी आपको एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया है ऑफ द वर्ल्ड वॉइस। जी, उनका एक वर्ल्ड वॉइस प्रोग्राम प्रोग्राम है। हाँ, ब्रिटिश काउंसिल ने उसको शुरू किया तो है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? ब्रिटिश काउंसिल, उनका ये वर्ल्ड वॉइस प्रोग्राम जो है वो उसको पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं और उनका ये एम है कि स्कूल्स में जो छोटे बच्चे हैं 3rd-4th क्लास से और 8th-9th-10th क्लास तक, उनको म्यूजिक जो है वो एक तो कंपलसरी होना चाहिए। वंडरफुल। एंड नॉट ओनली द क्लासिकल म्यूजिक, उनको ये नॉलेज प्रदान करनी चाहिए कि डिफरेंट कंट्रीज का फोक म्यूजिक कैसा है। okay. तो अगर हिमाचल में बच्चे एक अफगानिस्तान का गाना सुनते हैं या इंग्लिश फोक गाना समझते हैं सुनते हैं और उनको सिखाया जाता है या स्पेनिश गाना है, और स्पेन के बच्चों को पंजाब का गाना या हिमाचल का गाना सिखाया जाता है, तो उससे एक एक दूसरे के जो कल्चर्स हैं उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो जब वो बच्चे बड़े होंगे और वो उस तरह के उन्होंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं जहां उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सुना है, उनके गीत गाए हैं, उनके कल्चर्स की स्टोरीज सुनी है, उनकी फोक टेल सुनी है, तो उससे दैल मेक फॉर मच मोर ग्लोबल सिटीजंस यू नो, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जो है और उसमें एक नजदीकियां आएंगी यू नो। हाँ, क्लोजनेस होगी, ग्लोबल क्लोजनेस होगी। और तो ये 1 साल हो गया है। अच्छा। तो इसके तहत मैं दिल्ली में कई स्कूल्स में गया हूँ जो गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं एनसीईआरटी के, वहां पर मैंने बच्चों को हिमाचल के फोक गीत सुनाए और एक गाना सिखाया। फिर मैं स्कॉटलैंड गया, लंदन गया, वहां मैं स्कूल्स में गया और वहां मैंने हिमाचली फोक सॉन्ग बच्चों को सिखाया स्कॉटलैंड में, और उन्होंने मेरे लिए स्कॉटिश गाने गाए और मैंने उनको हिमाचल के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हिंदुस्तान का जो हमारा जो म्यूजिक है उसके बारे में एक यू नो चीजें बताई, और एक हमारा एक फोक सॉन्ग है वो उनको सिखाया मैंने, तो वो उसको गा रहे हैं और यू नो एंड इट्स गोइंग टू स्प्रेड। तो अभी कुछ कंट्रीज में जा रहा है, उसके बाद वो धीरे धीरे दे वांट टू टेक इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया, स्कॉटलैंड, अलग अलग जगह गए। कोई छोटा मोहित चौहान नजर आया? यू सॉ अ स्पार्क? बिल्कुल नजर आया। एक बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, मैं शिलोंग गया इसी के तहत, और गवर्नर साहब जो थे ही वाज वेरी काइंड एंड he hosted us and he hosted the World Voice thing, you know, in the Raj Bhavan, Governor Saab ke wahan. To wahan Shillong ke bahut cute, you know, chote chote bachche aaye hue the, koi 25-30. To unhone kuch English folk songs gaaye, kuch apne geet gaaye. Aur to jab wahan main ye baitha hua tha bachchon ke saath, to main unse pucha bhi, you know, North East mein music bahut log pasand karte hain and you know it's part of their culture. तो मैंने बोला भी किसी को कोई गाना सुना दो, मैंने अपार्ट फ्रॉम दीज सॉन्ग्स कोई फिल्म का गाना सुना दो।
कुछ भी सुना दो। तो दो बच्चे थे, एक ने एक हिंदी फिल्म का गाना गाया और एक बच्चे ने एक रॉक सॉन्ग गाया है, नो एक वेस्टर्न एक बैंड है बड़ा फेमस कोल्ड प्ले करके, उनका गाना गाया और दोनों बच्चे जो थे उन जिस तरीके से परफॉर्म किया उन्होंने, और वो लोग 7 से 8 साल के बच्चे थे। वाओ। हाँ, पर उनका जो यू नो अटैक था गाने पे और वर्ड्स पे और कॉम्पोजिशन पे वॉज रियली अमेजिंग यू नो। और वैसा टैलेंट हर जगह है you know, हिंदुस्तान में है, हर जगह हर प्रांत में है you know, और हमारा फोक म्यूजिक हमारा एवरीथिंग इज सो रिच कि बच्चों को यू नो वो एक सही रास्ता है कि दुनिया भर का जो कहानियां हैं लेजेंड्स हैं स्टोरीज हैं कल्चर उसके बारे में बचपन से ही गाने के जरिए अगर बच्चे सीखेंगे करेक्ट, तो जब वो बड़े होंगे तो उनको एक दूसरे के कल्चर्स का ज्यादा रिस्पेक्ट होगा, प्यार होगा और समझ होगी। आई थिंक दैट विल मेक फॉर अ बेटर वर्ल्ड। मोहित जी, आप इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते रहे आपके गानों के जरिए और इतना अच्छा सोशल वर्क करते रहे, इसी दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच कोमल जी, थैंक यू, वेरी नाइस कमिंग हियर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे मोहित चौहान, जिनकी आवाज की मिठास में आप डूबे डूबे से रह सकते हैं जिंदगी भर। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में। इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिस स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर। You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahata bidding you goodbye.